नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, नदी हम सबको बेहद प्रिय लगती है, कारण बहती रहती है, इसीलिए वो स्वच्छ भी रहती है, निर्मल रहती है, दूसरों को जीवन देती है। ठहरा हुआ पानी खराब भी हो जाता है, बीमारियों को जन्म देता है, इसीलिए चलते रहना यही वास्तव में जीवन है, और इसी से जुड़ा हुआ है सुंदर आज का सुवाक्य। आइए सुनते हैं। जिंदगी साइकिल चलाने की तरह है, अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन। हाँ दोस्तों, हर किसी के जिंदगी में प्रतिबंध आता ही है। जिस व्यक्ति में अपने आप को इम्प्रूव करने का आदत है, वह प्रतिबंधों में ठहरेंगे नहीं, उनको चुनौती समझ कर उसे पार करते हैं। जो व्यक्ति जिंदगी के बहाव में बहते जाते हैं, वह प्रतिबंधों में रुक जाते हैं और बैलेंस खो देते हैं। जीवन जीने की कला हमें सिखाता है कि अपनी शक्तियों को, अपने औजारों को हर रोज चेक करना है। परमात्मा भी कहते हैं कि हर सुबह जो अपने आंतरिक शक्तियों को जगाने की मेहनत में लगे रहते हैं, वह कभी अपना बैलेंस खोएंगे नहीं। यही जिंदगी जीने का तरीका है। हमारे शास्त्रों और पूर्वजों की सीख, चरैवेति चरैवेति, चलते रहें तभी मंजिल पर पहुंचेंगे, और साथ ही चलें बैलेंस भी ज़रूर रखें। बैलेंस अपने दिल और दिमाग का, लॉ और लॉ का, क्योंकि बैलेंस ही हमें ब्लेसिंग दिलाती है और साथ ही जीवन को ब्लिसफुल बनाती है। तो बैलेंस केवल इन बातों का नहीं, लेकिन अपने खान पान में भी बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, अन्यथा शरीर में कई प्रकार की तकलीफें शुरू हो जाती हैं, जैसे एसिडिटी। आज आपकी सेहत आपके हाथ में, हम इसी की बात करने जा रहे हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सभी देखते हैं कि आज एक मेजर प्रॉब्लम जो है आज समाज में है, वह ऐसे GERD कहते हैं, जर्ड के रूप में जानते हैं, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसे आम भाषा में एसिडिटी भी कह देते हैं। गैस बन जाती है एक्स्ट्रा मात्रा में, पेट में तकलीफ होती रहती है। तो हम सभी को, मैं तो समझता हूँ समाज में लगभग 50% पॉपुलेशन को ये प्रॉब्लम है। इसके लिए हमें क्यों होता है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, कारण क्या है? इसका मेन कारण है हमारा स्पिरिचुअल लेवल पे, वो है खुशी, हैप्पीनेस। अगर हम कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, अगर अंदर से खुश नहीं है तो हम कुछ भी खाएं, हल्के से हल्का खाना, वो भी पचेगा नहीं। क्योंकि तो अगर हम अंदर से खुश हैं तो हमारे सारे हार्मोन्स बैलेंस में निकलते हैं, हमारे सारे एंजाइम्स, पेट में एसिड ठीक मात्रा में निकलता है और उससे हमारा खाना पच जाता है। कहते ना, अगर आप खुश हैं तो कुछ भी हजम हो जाता, ताकत आ जाती है। गरीब लोग, भीड़ लोग, क्या सिर्फ दाल रोटी या सिर्फ रोटी पर थोड़ी मिर्च लगा के खा लेते हैं तो भी शक्तिशाली रहते हैं, और घरों में खाने वाले पनीर, रोटी, सब्जी, क्या क्या खाते हैं, कितनी चीज़ें खाते हैं, कितने सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाते, तो भी उनको बीमारियां होती रहती हैं। तो मेन बात है मन की खुशी, हमारी जो आत्मा के लेवल पर, जितना हम रियल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, सोल कॉन्शियस, बीइंग कॉन्शियसनेस, तो उससे हमारे अंदर, क्योंकि खुशी अंदर की बात है, जितना अधिक हम संतुष्ट रहते हैं, कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, अगर हम इस खुशी में रहने लगते हैं तो हमारा हाजमा अपने आप ही बैलेंस में होने लगता है। दूसरी बात है पेशेंस, धीरज रखें, खाने को चबा चबा के खाएं, इतना चबाएं कि उसमें निगलना ना पड़े। इसलिए कहते हैं खाना पीना चाहिए और पानी खाना चाहिए, अर्थात सिप बाय सिप पानी पीना चाहिए। तो आप जब खाने को अच्छे से चबाएंगे तो उसमें इतना टाइलिन निकलता है लार में कि आधा तो हमारा कार्बोहाइड्रेट वहीं पच जाता है और खाना मीठा लगने लगता है, तब अपने आप नीचे जाता है, खाना 3 घंटा पेट में रहता है, तो उसमें जो है हमारे अंदर जो एसिड निकलता है पेट में और जो एंजाइम्स निकलते हैं, पेप्सिन वगैरह, तो उस पर पूरी तरह से मंथन होता है। कि तो जब आपने खाना ढंग से चबाया है तभी वो खाना पेट में ढंग से पचेगा। तो दोस्तों, आप याद रखें, एक तो खुश रह करके खाना बनाएं, खुश रह के खाना खाएं, और फिर खाने को अच्छे से चबाएं और
आराम से बीच बीच में पानी ना पिए तो आप देखेंगे आपका हाजमा बहुत अच्छा हो जाएगा, एसिड कम बनेगा और आपके अंदर गैस नहीं बनेगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। ओम शांति। तो आप एसिडिटी की तकलीफ से मुक्त रहें इस कामना के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जीवन हमारा है, हम इसे कैसे जीते हैं, किस मुकाम पर ले चलते हैं, ये हमारे हाथ में ही है। हम इसे किस नज़रिए से देखते हैं ये भी हमारे ऊपर ही है। अपने आप को हम जितना ज़्यादा मूल्य देंगे उतना ही ज़्यादा मूल्य दूसरे हमें प्रदान करेंगे। इसलिए अपने जीवन को मूल्य देते हुए, इसे मूल्यवान बनाते हुए हम आगे से आगे बढ़ते चलें, क्योंकि ये सचमुच ईश्वर के द्वारा दिया गया एक बेहतरीन हमें तोहफा है। आज इसी विषय पर सुंदर प्रकाश लेकर हमारे बीच आ रहे हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा जी। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का सादर नमस्कार। एक बार एक बंदा गुरु नानक के पास गया और उसने गुरु नानक देव से पूछा कि बताइए जीवन का मोल क्या है। गुरु नानक ने उत्तर स्वरूप उस बंदे के हाथ में एक चमकीला पत्थर रखा, छोटा सा पत्थर था, कहा कि जा बाजार में जा और अलग अलग जगह जाकर इसकी कीमत पूछ कर आ, इसका मोल करके आ, पर याद रखना कि इस पत्थर को कदापि बेचना नहीं है। वो बंदा उस कांच के टुकड़े को लेकर सबसे पहले केले बेचने वाले के पास गया। केले बेचने वाले ने देखा कि बड़ा खूबसूरत पत्थर है, उसने कहा ठीक है, इस पत्थर के बदले में मैं तुझे एक दर्जन केले दे देता हूँ। बंदे ने कहा मुझे तो इसे बेचना नहीं है। वो एक सब्जी वाले के पास गया, सब्जी वाला उस रोज बड़ा प्रसन्न था, उसकी बीवी से उसका झगड़ा भी नहीं हुआ था, उसने बड़ा सुंदर पत्थर देखा, सोचा कि घर ले जाऊंगा तो बीवी और खुश हो जाएगी, बच्चे प्रसन्न हो जाएंगे। सब्जी वाले ने कहा कि जा तू भी क्या याद रखेगा, इस पत्थर का मोल मैं एक बोरे आलू से लगाता हूँ, ये पूरा बोरा ले जा आलू का और मुझे पत्थर दे जा। बंदे ने कहा मुझे पत्थर बेचना नहीं है। वो आगे गया, आगे उसे स्वर्णकार मिला, गोल्ड स्मिथ। स्वर्णकार को उसने पत्थर बताया तो स्वर्णकार ने उस पत्थर को देखते कहा अरे ये पत्थर, मैं इस पत्थर के बदले तुझे 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हूँ। बंदे ने कहा नहीं नहीं मुझे बेचना नहीं है। स्वर्णकार को लगा कि शायद कीमत कम लगी है, उसने कहा मैं 5 करोड़ देने को तैयार हूँ। बंदे ने कहा नहीं मुझे बेचना नहीं है। स्वर्णकार को लगा कि शायद अभी भी कीमत कम है, उसने कहा मैं 25 करोड़ रुपए इस पत्थर के देने को तैयार हूँ। बंदे ने कहा मुझे बेचना ही नहीं है। हालांकि बंदे का मन अंदर से कर रहा था कि इतनी कीमत है, मगर चूंकि गुरु का आदेश था इसलिए वो पत्थर को बेच नहीं रहा था। अब वो बंदा पत्थर को लेकर एक जौहरी के पास, हीरों के जानकारी रखने वाले के पास गया। बंदे ने वो पत्थर हीरों के जौहरी को बताया। जौहरी ने उस पत्थर को जैसे ही देखा तो सामने अपने रखी हुई टेबल जिस पर उसने भगवान को रख रखा था वहां पर उस पत्थर को रखा, दंडवत प्रणाम किया, 10 परिक्रमाएं की और हाथ जोड़कर बोला कि भाई ये जो पत्थर है इसके बदले में यदि मैं तुझे मेरी सारी संपत्ति दे दूं, सारी धरती दे दूं, सूरज चांद सितारे आसमान दे दूं, तो भी मैं इसका मोल नहीं लगा सकता क्योंकि ये तो अनमोल है, अनमोल। अब वो बंदा पत्थर लेकर गुरु नानक जी के पास आया और उसने सारी आप बीती गुरु नानक जी को सुनाई और फिर पूछा कि नानक जी अब आप मुझे बताइए कि जीवन का आखिर मोल क्या है। नानक जी ने कहा जीवन तो अनमोल है, मगर तू चाहे तो इसे 1 दर्जन केले के मोल से तौल ले या 1 बोरी आलू इसकी कीमत लगा ले, लेकिन ये सारा खेल तो सोच का होता है। जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होने लगती है। नमस्कार।
तो अपने इस जीवन को हम तराशते चलें, निखारते चलें और अपनी विशेषताओं को पहचान कर उन्हें कार्य में लगाते चलें तो जीवन सचमुच मूल्यवान और बेहतरीन बनता चलेगा। हमें भी संतोष प्राप्त होगा और भी इससे प्रेरित होंगे। मित्रों, हमारे जीवन का जिस प्रकार सुंदर मूल्य है, वैसे ही हमारे देश में एक ऐसा प्रदेश है जो सचमुच बेहद मूल्यवान है ऐसा लगता है, जिसे धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ जाकर व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, जहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बरबस ही सभी को अपने आप के साथ बांध लेता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के भाल, भारत माता के मुकुट, जम्मू और कश्मीर का। आइए चलते हैं धरती के इस स्वर्ग में। जम्मू कश्मीर लोकप्रिय रूप से धरती पर स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर अपने प्राकृतिक वैभव, बर्फ से ढके पहाड़ों, भरपूर वन्य जीवन, उत्तम स्मारकों और अपने प्रसिद्ध मंदिरों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। कश्मीर में वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा शिव बाबा के प्रसिद्ध यादगारों में से एक गिने जाते हैं। कश्मीर का एक और बड़ा आकर्षण गुलमर्ग है, जो फूलों की घास का मैदान है। वहीं पूरे भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील वूलर झील भी इसी राज्य में मौजूद है। वहीं राज्य के अन्य प्रसिद्ध स्थल हैं दल लेक, मुगल गार्डन, हजरत बल मॉस्क, जामा मस्जिद, इंदिरा गांधी ट्यूलिप मेमोरियल गार्डन, सोनमर्ग, पहलगाम, आनंद नग और बारामुल्ला। वहीं पिछले 40 वर्षों से ब्रह्म कुमारी संस्था इस राज्य में जन जन तक राजयोग की शिक्षा पहुंचा रही है। सचमुच धरा का स्वर्ग, जहां से वापस आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। लोग कहते हैं ना कि वो स्वर्गवासी हो गया, लोगों के मरने के बाद ये बात कही जाती है, लेकिन यहाँ तो हम जीते जीते स्वर्ग को देख आए, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की सुंदर छटा। लेकिन बाह्य सौंदर्य भी मित्रों, कई बार मन यदि सुकून से नहीं भरा है, शांति से नहीं भरा है, या फिर बहुत सारा द्वंद्व चल रहा है अंदर, तो वो बाह्य सौंदर्य भी हमें स्वर्ग की अनुभूति नहीं कराता। और यही कारण है कि ब्रह्मा कुमारीज ये सुंदर सेवा कार्य कर रही हैं कि आप अपने मन को भी कैसे स्वर्ग बना लें, ताकि बाहर के सौंदर्य का आनंद ले सकें। और मन सुंदर है, मन स्वर्ग है, तो संसार भी स्वर्ग अवश्य बन जाएगा। तो ये सुंदर सेवा कार्य ब्रह्मा कुमारीज कैसे कर रही हैं, आइए देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में। सरगुजा संभाग प्रभारी बीके विद्या ने इस दौरान भारत को पुनः स्वर्ग बनाने के लिए स्व परिवर्तन करने की बात कही, तो वही कार्यक्रम में उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार प्रकट किए। इस भारत भूमि को अगर सचमुच स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो हमारे पिता परमात्मा का नारा है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आज के स्वतंत्र भारत में जो स्व जागरूकता है, जो स्व जागरूकता शब्द है, इस शब्द को ही बहुत सारे हमारे समाज के लोग या ग्रामीण क्षेत्र के लोग समझते हैं, तो उनको स्व जागरूक बनाने के लिए हमको समाज में कुछ हम जैसे जागरूक लोगों को कदम उठाना पड़ेगा। अब दिखाते हैं खबर जयपुर के जादव नगर की, जहां शहर के कई सम्मानित लोगों की उपस्थिति में तिरंगा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके पश्चात अतिथियों ने संस्था द्वारा की जा रही सामाजिक सेवाओं की जमकर सराहना की।
आगे सेवा केंद्र प्रभारी बीके सनुसिया ने सभी अतिथियों का धन्यवाद करते हुए समाज उत्थान के प्रत्येक कार्य में अपना सहयोग देने की बात कही। चलिए अब चलते हैं मुंबई, जहां मलाड के लिबर्टी गार्डन और फ्लेमिंगो सोसाइटी पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें लिबर्टी गार्डन में टीवी एवं फिल्म कलाकार यजुवेंद्र सिंह और मलाड सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके कुंती की उपस्थिति में तिरंगा फहराया और अपने दिल के उद्गार प्रकट किए। तो ये हमारे संविधान का महोत्सव है जिसको हम मनाते हैं आज की डेट में। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही फ्लेमिंगो सोसाइटी में भी सेलिब्रेशन किया गया, लेकिन अंदाज थोड़ा अलग रहा, जहां मनोरंजन के लिए कई गेम्स लगाए गए जिसका बच्चों समेत बड़ों ने भरपूर लाभ लिया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीरजा समेत सोसाइटी के चेयरमैन सुधाकर शेट्टी और सेक्रेटरी हरिशंकर भी उपस्थित रहे। मित्रों, अपनी आज की यात्रा को सुंदर और सुहावना बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कल की यात्रा को हम भूल जाएं, उसे पीछे छोड़ दें। कई बार ऐसा लगता है कि कल ऐसा हुआ होता तो अच्छा होता, ऐसा होता, ये बात हुई होती तो ज़्यादा बेहतर होता, और इसी सोच में हम अपने आज की यात्रा को दुखद कर लेते हैं, आज की यात्रा का आनंद नहीं ले पाते। तो वर्तमान में रहें और आज का आनंद लें, आज की यात्रा को सुहावना बने, कल से सीखें, आगे बढ़ें, यही आज के सबरंग की सुंदर सीख है। इस पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आज का सारा दिन, आज की सारी यात्रा आपकी मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।